बंगाल में सैलाब से 7 अफराद हलाक। बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में विजयदशमी के मौके पर माल नदी में दुर्गा देवी की मूर्तियों के विसर्जन के दौरान आने वाले सैलाब में कम अज़ा कम 7 अफराद डूब गए और मुतायदा लापता है। जलपाईगुड़ी के एसपी ने बताया कि देर रात तक कई लोग फंसे हुए थे और कई बह गए थे। अब तक 7 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी है। ये वाकया रात 9 बजे से 10 बजे के दरमियान पेश आया। जलपाईगुड़ी के जिले अहदेदार ने पीटीआई से कहा कि अचानक आए सैलाब में लोग बह गए। अब तक 7 नाशों को निकाला जा चुका है और हमने करीब 50 लोगों को महफूज निकाला है। इन्होंने मजीद कहा कि तलाशी और बचाव मुहिम जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और मुकामी इंतजामिया बचाव के कामों में मसरूफ है। दरअसल वाकये के वक्त माल नदी के किनारे सैकड़ों लोग विसर्जन के लिए जमा थे। जलपाईगुड़ी के जिले मजिस्ट्रेट ने कहा कि अचानक सैलाब में लोग बह गए। अब तक 7 लाशें निकाली जा चुकी है और हमने लगभग 60 लोगों को बचाया है। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और मुकामी इंतजामिया बचाव के कामों में लगी हुई है। इस हादसे पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अफसोस का इजहार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एचएन न्यूज़। एहएचए न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।